अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इंदौर में कामकाजी महिला का फर्जी कार्ड बनाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महिला ने मध्य प्रदेश ऑनलाइन से अपना कामकाजी कार्ड बनवाया था और इसके एवज में महिला ने 1500 रुपए भी दिए थे, लेकिन जब इस कार्ड की जांच जोन स्तर पर की गई तो कार्ड फर्जी पाया गया और इस कार्ड पर जोनल अधिकारी और वार्ड प्रभारी के साइन नहीं थे, जिसके बाद MIC मनीष शर्मा ने तत्काल उपायुक्त को जांच के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि कामकाजी लोगों के लिए नगर निगम के सभी जोन पर निःशुल्क कार्ड बनाए जाते हैं, साथ ही ऐसे फर्जी लोगों से सावधान रहे। चूंकि वो 9 नंबर जोन वार्ड 41 में वो व्यक्ति रहते थे और उनका कार्ड जो बना था वो जोन 10 पे बना दिया था, और जिसमें हमारे जोनल अधिकारी हैं JDO उनकी साइन नहीं थी, जो वहाँ के वार्ड प्रभारी है उनकी साइन नहीं थी, और MP ऑनलाइन में कोई व्यक्ति ने जाकर यह कार्ड उनका बना दिया था फर्जी, जिसकी हमें शिकायत मिली थी। तो जोन पर 10 नंबर जोन पर हम गए थे, उपाध्याय जी उपायुक्त हमारे साथ थे और हमने उसकी जांच करी है और निर्देश दिए हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें, FIR जैसी कार्रवाई भी होगी, अभी उसकी जांच चल रही है।